खबर यह है कि ऑडियो लीक्स केस में चार इदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। पैमरा के साथ पीजीए एफआईए आईबी ने भी मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा की गई है। अदरीस अब से साथ ही मौजूद हैं। अदरीस, बताएगा दरख्वास्त में क्या मौकिफ अपनाया गया? हाँ जी, देखिए ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो अब एक तरह से फिर नए सिरे से खुलता जा रहा है, जिसमें अब आज सुबह पैमरा की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार को केस से अलहदा होने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई थी। उसके बाद अब पैमरा के साथ साथ पीटीए एफआईए और आईबी ने भी जो है वो मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो दायर की है। उसमें दरख्वास्त में ये मौकफ लिखा गया है कि इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 2021 में इस नोयत के एक दूसरे केस का फैसला जो है वो कर चुके हैं। इंसाफ का तकाजा भी यही है कि बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले जस्टिस बाबर सत्तार इस मुकदमे से जो है वो अलग हो जाएं और चारों जो इदारे हैं उनकी जानिब से अपनी अपनी मुतफरिक दरख्वास्तें जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की। ठीक है अदरीस अब्बासी, आपका शुक्रिया, आपने तफसील नगाह किया।